इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के कंसेप्ट को यूज करके किसी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इवेंट्स E1, E2 अप टू EN पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब माना इवेंट ए इस प्रकार से डिफाइन है जिसे वेन डायग्राम में दिखाया गया है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो चलिए अब हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम ए को ए इंटरसेक्शन एस के इक्वल लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि इवेंट्स E1, E2, E3 अप टू EN सैंपल स्पेस के पार्टीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सो हम सैंपल स्पेस को इन सभी इवेंट्स के यूनियन के इक्वल लिख सकते हैं, सो हमें इवेंट ए इसके इक्वल मिलेगा। अब यदि हम यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तब हमें इवेंट ए इसके इक्वल मिलता है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके इक्वल होगी। हम जानते हैं कि यदि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यदि हम वेन डायग्राम में देखें तो यह शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन E1 को, यह शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन E2 को, यह शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन E3 को, यह शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन E4 को एंड यह शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन E5 को रिप्रेजेंट करता है। हम यहां देख सकते हैं कि शेडेड एरियाज में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, जिसका मतलब है कि ये सभी इवेंट्स अर्थात ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2 अप टू ए इंटरसेक्शन EN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में हमने यह सीखा था, तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को किस प्रकार लिखेंगे। इस टर्म को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, इसी प्रकार इस टर्म को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं एंड इसी प्रकार इस टर्म को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं एंड इन सभी टर्म्स को समेशन की फॉर्म में हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जो कि इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है।